आई वांट टेल यू, मैंने आपको कहा था भाई साहब कि बो डैलस यानी कि अंकल हाउडी का रिटर्न होगा, और आई थिंक बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री भी करेंगे, और दिस इज व्हाई फाइनली द मंडे नाइट रॉ में एक छोटा सा ग्लिचिस देखने को मिला था, जिसमें अंकल हाउडी का छोटा सा फ्लक्चुएशन था, ईस्टर एग था। और अगर आप सब कहेंगे भाई साहब कि अंकल हाउडी का तो चेहरा वहाँ दिखाई नहीं, बस एक लाइट ऑफ ऑन हुई थी, तो दोस्तों लाइट ऑफ होके ऑन हुई थी और एक छोटा सा म्यूजिक चला था, देखिए प्ले नहीं कर सकता ड्यू टू, समझ रहे हो आप किस लिए लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि अंकल हाउडी का रिटर्न बहुत जल्दी होगा, बिकॉज बो डैलस को आप हॉल ऑफ फेम में देख चुके हैं, अपने ब्रदर ब्रे वाइट को और इन्हें हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया था, और दिस इज वाई अब बो डैलस आपको डब्ल्यू कंपनी के अंदर अपना मैसिव रिटर्न करते हुए देखने को मिल सकते हैं। दिस इज वाई अंकल हाउडी का रिटर्न हो सकता है। अब बहुत लोग कहेंगे भाई अंकल हाउडी का रिटर्न होगा या नहीं, बिकॉज अभी तक अंकल हाउडी के बारे में कोई न्यूज़ नहीं थी, कोई फ्लक्चुएशन नहीं थी, कोई ईस्टर एग नहीं था, लेकिन दोस्तों मैंने आपको कहा था कि रो आफ्टर रेसलमेनिया बहुत सारे सरप्राइज देखने को मिलेंगे। देखिए इस बार का रो आफ्टर रेसलमेनिया उतना बड़े लेवल का लोग नहीं था, बिकॉज हमें कुछ ज़्यादा शॉकिंग देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ अंकल हाउडी का थोड़ा सा हमें ग्लिचेस देखने को मिला, जिससे हमें बहुत कन्फर्म है कि जो अब एक हॉरिफाइंग करेक्टर आने वाला है कंपनी के अंदर वो बो डैलस ही है। आई थिंक अपने ब्रदर की लेगेसी को आगे बढ़ाने आने वाला है ब्रे वाइट, जो कि ईटर ऑफ वर्ल्ड था, एक कमाल का करेक्टर था ब्रे वाइट का, एंड दिस इज वाई अब बो डैलस भी उनकी जगह लेगा, मतलब उनकी जगह का मतलब उनको रिप्लेस नहीं कर सकता कोई, लेकिन हाँ जिस तरह का काम ब्रे वाइट कर चुके हैं डब्ल्यू कंपनी के अंदर एज एन ईविल करेक्टर, वैसा ही कुछ बो डैलस करेंगे, और बो डैलस पर एक गिमिक काफी अच्छा भी लगेगा, बिकॉज बो डैलस और ब्रे वाइट के चेहरे एक जैसे लगते हैं, एक जैसी आवाज है, सो समझ सकते हो कि अंकल हाउडी का रिटर्न बहुत ही नजदीक है। इवन आपको आई थिंक जिस तरह से आपको याद होगा रेसलमेनिया 35 के बाद ब्रे वाइट का रिटर्न हुआ था मंडे नाइट रॉ के अंदर फायरफ्लाई फनहाउस में, जिस तरह से उन्होंने अपना पूरी गिमिक को ही चेंज कर दिया था, सेम गोज टू बो डैलस कि आई थिंक अंकल हाउडी या फिर कुछ और, लेकिन हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और द मेन न्यूज़ इज कि अलेक्सा ब्लिस उनके साथ मर्ज होगी या नहीं, तो फाइनली मुझे लगता है कि अलेक्सा ब्लिस का भी मर्ज होगा, बिकॉज अलेक्सा ब्लिस भी ब्रे वाइट से कनेक्ट थी, और ब्रे वाइट अगर होते तो वो अलेक्सा ब्लिस के साथ ही स्टोरीलाइन होती उनकी, सो दिस इज वाई अलेक्सा ब्लिस एंड अंकल हाउडी आर द मर्जर, और इन दोनों का मर्जर होगा, और अंकल हाउडी बो डैलस अंकल हाउडी बन के आता या कोई एक नया करेक्टर आता, लेकिन अलेक्सा ब्लिस का मर्जर बो डैलस के साथ कंफर्म है, होना तय है, डैट फॉर श्योर। अब दोस्तों बात करें एक और चीज की, अब देखिए यूट्यूब पर एक चैनल है ड्रेड मेयर, जिसकी न्यूज में कवर करता हूं काफी वक्त से, और मैंने आपको बताया कि ये बंदा डोडी कंपनी से कनेक्टेड है, उनका कोई कॉन्टेंट राइटर है या फिर कॉन्टेंट क्रिएटर है, तो दोस्तों अब चीजें निकल के सामने आ रही है कि बो डैलस ही ड्रेड मेयर है, यानी कि ड्रेड मेयर जो चैनल है वो बो डैलस का ही है, यानी कि बो डैलस ही हमारे ड्रेड मेयर है, उनका यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल, और आपको पता होगा जितने भी आप वीडियोस देख लीजिए बैकग्राउंड में जो वॉइसेस हैं वो सारी कहीं ना कहीं बो डैलस से मैच खाती हैं, सो आप समझ सकते हैं कि चैनल खुद बो डैलस का है और वो खुद अपने रिटर्न को टीस करते हैं। अब लेटेस्ट वीडियो सामने आई है, इसमें भी क्लियर कर दिखाया जा रहा है कि बो डैलस अपने रिटर्न को तैयार है, अंकल हाउडी अपने रिटर्न को तैयार है, तो आपको जल्दी ही मतलब आप लगा सकते हैं आई थिंक एक महीने के अंदर ही शायद आपको बो डैलस का रिटर्न देखने को मिल सकता है क्लियर कट, बिकॉज जिस तरह से व्हाइट रैबिट की स्टोरी लाइन बनाई गई थी ट्रिपल एस ने, उसी तरीके से अब बो डैलस की स्टोरी लाइन पर काम किया जा रहा है, और आपको शायद अभी तो आपको शायद मंडे नाइट रॉ पे थोड़े से ग्लिचेस नजर आए, लेकिन अभी ये बहुत ही ज्यादा होंगे और शायद बार कोड भी नजर आ सकते हैं, लेकिन फाइनली बो डैलस का रिटर्न हो चुका है। मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि बो डैलस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है डब्ल्यू कंपनी के साथ, और आपने मेरी बात कई लोगों ने मानी थी, कई लोग कह रहे थे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन दिस इज ऑफिशियल, बो डैलस इज फाइनली रिटर्न्स टू WWE। सो दोस्तों यदि अच्छी वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग।